आई थिंक ये थोड़ा हाइप बनाया हुआ है, फिल्में चल रही हैं। पूरा का पूरा बॉलीवुड राहुल गांधी की तरफ पप्पू हो गया है, पप्पू करोड़ हो गया है पूरे बॉलीवुड का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्वरा आंटी कह रही है, स्वरा भास्कर जी कह रही है। फिल्मी दुनिया में स्वरा भास्कर और राजनीति की दुनिया में राहुल गांधी, दोनों की परफॉर्मेंस एक ही जैसी। अनिल कपूर के शब्दों में कहें तो झकास। स्वरा भास्कर का सीधे सीधे तौर पर कहना है कि पूरे बॉलीवुड का पप्पू करोड़ हो गया है, पूरा का पूरा बॉलीवुड राहुल गांधी बन गया है। साथ में ये भी कहती है कि मैं राहुल गांधी से मिल चुकी हूँ, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बहुत ही समझदार है, उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बहुत ऊंचे लेवल का है। वैसे पार्ट टाइम एक्ट्रेस और फुल टाइम एक्टिविस्ट, स्वरा भास्कर की गिनती उन विशेष लोगों में होती है जो हर बात की विशेषज्ञ हैं, इन्हें हर बात की नॉलेज होती है। ये कहती है कि मुझे पता नहीं कि ये ठीक है या नहीं, जायज है या नहीं, लेकिन वाकई में पूरा बॉलीवुड राहुल गांधी हो चुका है। बॉलीवुड का जो हाल है उसे देखकर मुझे राहुल गांधी की ही याद आ रही है। जैसे हर कोई राहुल गांधी को पप्पू कहने लगा, तो लोगों ने यह मान लिया कि राहुल गांधी वाकई में पप्पू है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनका बल्ब फ्यूज हो गया है। लेकिन मैं उनसे मिली हूं, बहुत अच्छे इंसान है, बुद्धिमान है, मुखर इंसान है, लेकिन पूरे बॉलीवुड का राहुल गांधी की तरफ पप्पूकरण कर दिया गया है। स्वरा ने इसके पहले यह भी माना था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चलते ही बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है, कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के चलते, नफरत के चलते बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि स्वरा आंटी जो कह रही है वो बात बिल्कुल सही है क्या, कि क्या वाकई में पूरे बॉलीवुड का पप्पूकरण कर दिया गया है, पूरा बॉलीवुड पप्पू हो गया है, राहुल गांधी हो गया है? अब ये बात हमने नहीं कही है, ये जो खुद राहुल गांधी को फॉलो करती हैं स्वरा भास्कर, इन्होंने कही है।